रफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी। कहा, प्रधानमंत्री देश के नहीं अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। रफेल डील को लेकर फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडिया पार्ट के पर्दाफाश के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट की सफाई। कहा, खुद से रिलायंस का चुनाव किया था। तितली तूफान के ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दस्तक देने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। कई पेड़ और पोल गिरे, कई जगह भूस्खलन। एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। ओडिशा में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। सर्वे के नाम पर ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म द क्विंट के मालिक राघव बहल के नोएडा स्थित घर और दफ्तर पर रेड मारा। राघव बहल ने एडिटर्स गिल्ड को लिखकर बताया कि हमारी कंपनी का टैक्स अकाउंट बिल्कुल साफ सुथरा है और सभी जरूरी कागजात दिखाने को तैयार हैं। 9 महिला पत्रकारों की तरफ से यौन शोषण के आरोप के बाद मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार रिकवरी की ओर। सेंसेक्स में निचले स्तर से लगभग 500 अंकों का सुधार। हिसार के सतलोक आश्रम में 6 मौतों के दोनों मामलों में रामपाल दोषी करार। 16 अक्टूबर को सजा पर फैसला। हिंसा की आशंका के चलते हिसार में धारा 144 लागू। हिसार आने जाने वाली ट्रेनें रद्द।